हेलो गाइस, वेलकम बैक टू कॉमिक हिंद। हम आ चुके हैं थॉर के 9th पार्ट में, तो चलिए शुरू करते हैं। बहुत ही पुराने टाइम से इस दुनिया पर बर्ड और सांप रहे हैं, जैसे सन और शैडो है, जैसे कि गोल्डन ईगल, जैसे ऑडिन बोल्सन और जोरमुन कैंट, जो कि एक बड़ा सा सांप है। इनके बीच की लड़ाई काफी टाइम से चल रही है, एक वो युद्ध जिसका शायद ऑडिन को पता था कि बर्डन भी जाएगा थॉर पर, तो वो अपने बिगड़े हुए प्रिंस को एक लेसन सिखाना चाहता था, जिससे वो एक बढ़िया देवता नहीं एक बढ़िया इंसान भी बन सके। इसके लिए ऑडिन ने उसकी एक शैडो बनाई और वो थी एक हम्बल डॉक्टर जिसका नेम था डोनाल्ड प्लेक, और उसके पास एक छड़ी थी जिसको वो जब भी जमीन पे नीचे मारता था तो वो कन्वर्ट हो जाता था माइटी थॉर में। पर सवाल तो ये है, जब थॉर यहाँ होता है तो डोनाल्ड प्लेक कहाँ चला जाता है? तो इसमें हम यही देखेंगे। ये है प्रे और इसका है पार्ट 1, और इसका आंसर है एक ऐसी जगह जो कहीं भी खत्म नहीं होती और ना ही कहीं एग्जिस्ट करती है। डॉक्टर ब्लेक चला जाता है एक ऐसी टाउन में जो कि बहुत ही ज्यादा पीसफुल है। वो अपनी छड़ी लेके चलता रहता है, उसे ना ही कोई पेन है, ना ही कोई दुख है और ना ही कोई निराशा है। एक ब्यूटीफुल समर लैंड में सभी उसको एडमायर करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं और लव करते हैं जहाँ भी वो जाता है। वो एक ऐसी दुनिया में चलता ही रहता है जहाँ पे कभी सूरज नहीं ढलता। उसे ये भी नहीं पता चलता कि कितना टाइम बीत गया है, कभी कभी तो दिन, हफ्ते या कभी कभी तो साल भी। वो बस चलता ही जाता है और उसे कभी पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि ये जादू किया गया है ऑडिन के द्वारा। ये उसका एक ऐसा किंगडम है जो कभी भी खत्म नहीं होता। वो कभी कभी सूरज की और उठकर देख लेता है और खुश हो लेता है। यहाँ हम पहुंच चुके हैं थॉर और लोकी के पास, जो कि ड्रिंक कर रहे हैं। लोकी कहता है, डोनाल्ड ब्लेक और उसकी जो कहानियां हैं वो बहुत ही ज्यादा बोरिंग है, इन सब का क्या पॉइंट है? थॉर कहता है, पॉइंट ये है कि मैं उसे वापस लाने वाला हूँ। लोकी कहता है, क्या तुम क्या करने वाले हो? तो थॉर कहता है, बस एक वीकेंड के लिए मैं उसे वापस लाने वाला हूँ। मैं दोबारा से एक स्ट्रेंजर बनना चाहता हूँ जहाँ पे लोग मेरे आगे नहीं झुकते और मुझे ये ऑफिशियल मीटिंग भी नहीं करनी पड़ेगी। मैं जहाँ पे राजा नहीं रहूंगा। लोकी कहता है, मेरी बात सुनो। थॉर कहता है, मैं अपना आपा खो रहा हूँ मेरे भाई, मैं ये सब और नहीं कर सकता, मेरे कंधों पे बहुत ही ज्यादा भार है और मैं भागूंगा नहीं, मैं अपने एस्कार्ड के लोगों को छोड़कर नहीं भागूंगा, पर मुझे एक दिन चाहिए जिसमें मैं किंग ना हूँ, जिसमें मैं किंग ना रहूं और मैं अपने आप में और ज्यादा सुधार ला सकूंगा। क्या तुम मेरी हेल्प करोगे मेरे भाई? लोकी कहता है, अच्छा तो तुम मुझसे झूठ बुलवाना चाहते हो? तो थॉर कहता है, जब तुम्हें स्टॉर्म की जरूरत होती है तो तुम मेरे पास नहीं आते, मैं तुम्हारी करता हूँ ना? मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे बस सिफ की आंखों से छुपा दो, क्योंकि वो सब कुछ देख लेती है। मैं अपने लोगों को कह दूंगा कि मैं जॉटहाने में जा रहा हूँ। लोकी कहता है, शट अप, तुम मेरी बात सुनो, मैं अब पहले वाला लोकी नहीं रहा, मैंने अपना टाइटल चेंज कर लिया है, मैं अभी झूठों का देवता नहीं रहा, मैं हूँ अभी गॉड ऑफ स्टोरीज, मैं अपने आप को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहा हूँ और तुम्हें पता ही है मैं तो तारों के बीच में भी झूठ को पकड़ लेता हूँ। थॉर कहता है, क्या मतलब, मैंने क्या झूठ बोला? तो वो कहता है, कुछ गलत, कुछ बहुत ही बड़ा। वो कहता है, ऐसा नहीं है, मैंने तुम्हें बता तो दिया। लोकी कहता है, नहीं तुम मुझे नहीं बता रहे, बस एक बार बता दो। तो वो कहता है, सच्ची मेरे भाई, मैं सच बोल रहा हूँ। तो लोकी कहता है, ठीक है। वो उसके हैमर को उठाता है और उसी पे हमला कर देता है। थॉर काफी पीछे जाके रुक जाता है। तो लोकी कहता है, अच्छा तुम्हें क्या लगा कि मुझे ये पता नहीं चलेगा? मुझे पता है, जब तुम डोनाल्ड ब्लेक के साथ स्वैप होते हो तो तुम कहाँ जाते हो? तुम जाते हो एल्डर स्लीप में। तो यहाँ पे लोकी को ये भी पता चल गया है कि अभी उसके हैमर को कोई भी उठा सकता है। उसे ये भी पता है कि वो स्वैप करके कहाँ जाता है, और वो कहता है, मुझे लगता है अभी हमारा एशियंट एस्कार्डियन मैजिक बहुत ही ज्यादा कम हो गया है, क्योंकि इस हथौड़े को कोई भी उठा सकता है। कुछ तो गलत हो रहा है और मुझे भी उसके आंसर्स चाहिए, और मुझे पता है तुम एल्डर स्लीप में जाके स्पिरिट्स और मरे हुए किंग्स के साथ बातें करते हो। तो थॉर कहता है, हाँ। लोकी कहता है, मुझे पता है तुम चाहते हो उस टाइम तक मैं तुम्हारे उस डोनाल्ड ब्लेक को बेबीसिट करूं। थॉर कहता है, तुम मेरे लिए ये सब करोगे? तो लोकी कहता है, हाँ जरूर, पर ये मेरा एहसान रहेगा तुम पर, और मैं इसका और ये तुम्हें चुकाना पड़ेगा तब जब तुम बहुत ही ज्यादा मुसीबत में होगे और तुम पछताओगे कि तुमने ये वादा क्यों किया था। और कहता है, थैंक यू ब्रदर। वो अपना हथौड़ा उठाता है और नीचे दे मारता है। लोकी कहता है, थॉर तुम चले गए? और हम देखते हैं कि थॉर नीचे की ओर गिर रहा है। बड़े ही सालों बाद उसने डोनाल्ड ब्लेक के साथ ऐसे स्वैप किया है, पर थॉर को भी पता है कि कुछ बहुत ही ज्यादा बुरा होने वाला है और हो गया है। एल्डर स्पिरिट्स और एशियंट किंग ने भी थॉर से आंखें फेर ली हैं, किसी गुस्से में नहीं बल्कि शर्म के मारे, क्योंकि उन्हें उस चीज के लिए पछतावा है
जो थोर अभी देखने वाला है, क्योंकि डोनाल्ड ब्लेक के खूबसूरत किंगडम के अंदर बहुत ही ज्यादा खौफनाक चीजें हुई हैं। थोर देखता है कि हर तरफ लाशें ही लाशें पड़ी हैं। डॉक्टर ब्लेक जाग चुका है और वो पागल हो गया है। ऑडिन के मैजिक्स की वजह से उसे पता नहीं चलता था कि वो कितने ही दिन और साल चलता रहा, पर एक दिन उसने ऊपर की ओर अपना सिर उठाया और अपने गॉड को बुलाया हेल्प के लिए, पर थोर को ये नहीं पता था और उसने कभी भी आंसर नहीं किया। पर एक दिन डोनाल्ड ब्लेक को अपने सवालों का जवाब मिल गया। उसे पता चल गया कि ये दुनिया स्वर्ग नहीं है, ये उसके लिए हमेशा एक कैदखाना रहेगी। पर अभी उसके लिए दरवाजे खुल चुके थे। सांप पंछी के पास जा चुका था और उसने उस सांप को भी मार दिया, जिसको ऑडिन भी नहीं खत्म कर सका। डोनाल्ड ब्लेक के मन में बहुत ही ज्यादा गुस्सा भरा हुआ है, क्योंकि उसके गॉड ने भी उसकी हेल्प नहीं करी, और वो है डोनाल्ड ब्लेक द शैडो ऑफ थंडर, जो कि अभी आजाद हो चुका है और उसका हुलिया भी बदल चुका है। उसके एक हाथ में है छड़ी और एक में है चाकू। लोकी कहता है, ब्लेक ये तुम हो? वो कहता है, नहीं मैं नहीं हूँ। तो लोकी कहता है, फिर ठीक है। लोकी उस पर हमला करता है, पर वो इतना फास्ट है कि वो उसके गले में चाकू खोप देता है। ब्लेक कहता है, अच्छा तो मुझे दोबारा से तुम्हें इंट्रोडक्शन देना पड़ेगा। लोकी कहता है, मुझे नहीं पता तुम्हारे पास ये पावर्स कहां से आई, पर मैं एक नकली थोर से नहीं हार मानूंगा। तो वो कहता है, मेरा नाम है डॉक्टर डोनाल्ड ब्लेक, और वो लोकी का हाथ पकड़ लेता है और उसे जोरदार तरीके से नीचे फेंक देता है। वो कहता है, मैं वो नहीं हूँ, मैं तुम्हारा नया राजा नहीं हूँ, और मैं एक गॉड की दोबारा से परछाई कभी नहीं बनूंगा। अब मेरे से कोई भी गॉड नहीं छुप सकता। और वो फिर से कहता है, नहीं मैं थोर नहीं हूँ। वो अपनी छड़ी को पकड़े हुए है और वो अपनी छड़ी को तोड़ते हुए कहता है, ना ही मैं दोबारा से थोर बनूंगा। तो गाइस, इसी के साथ हमारा ये पार्ट भी खत्म होता है। तो अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।